आई थिंक वॉइसेस आ रहे थे और वीडियो फंस रहा था क्योंकि मेरे स्क्रीन में वीडियो रुक गया था, तो उसके लिए मैंने दोबारा से रिस्टार्ट किया है थोड़ा सा। आई होप आई थिंक अब सही है। ठीक है, तो अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में लिया जाए तो इसमें हमारा कैंसर आ जाएगा या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज आ जाएगा, जो कि मतलब दिल से संबंधित रहता है रोग, हार्ट अटैक या फिर अदर रहता है, या फिर हम उसके साथ साथ हम डायबिटीज को भी ले सकते हैं। डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन से होता है, और अगर इंसुलिन की बात करें तो ये नीट SSC और का मतलब जैसे नॉर्मल जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इंसुलिन अक्सर पूछता है कि इंसुलिन से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज में एक पार्ट होता है लैंगर हैंस की दीपिका, जिसे आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस कहा जाता है। मतलब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये पैनक्रियाज से निकलता है, और पैनक्रियाज में एक पार्ट है आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस, जिसे हिंदी में लैंगर हैंस की दीपिका भी कहा जाता है। वहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की अधिकता होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, एक डिजीज है हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर इंसुलिन की कमी पड़ती है तो डायबिटीज हो जाता है नॉर्मली, डायबिटीज जिसे मधुमेह या फिर शुगर भी कहते हैं। और इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड वेस्ट ने की थी। ये आज मेरे एग्जाम में भी पूछा था, और नॉर्मली हर UPSC SSC या फिर नॉर्मल जो भी जनरल एग्जाम्स होते हैं, नीट वीट एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछता है। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाटिक या अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन का मतलब अग्नाशय पैनक्रियाज का एक पार्ट होता है आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस। आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस मतलब लैंगर हैंस की दीपिका, वहां से निकलता है। इंसुलिन की अधिकता हो जाती है, यानी इंसुलिन जो हार्मोन है यदि हमारे अंदर अधिक मतलब एंजाइम जो है वो अगर हमारे अंदर अधिक हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया जो कि एक डिजीज हो जाता है, और यदि इंसुलिन कम हो जाता है तो हमें डायबिटीज यानी मधुमेह या फिर कह सकते हैं शुगर हो सकता है। और इंसुलिन की खोज 1921 में बेटिंग एंड वेस्ट ने की थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछने वाला है, इसके बारे में अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ओके, तब मिटा दे रहे हैं। कल बहुत सी चीजें बहुत लोगों को नहीं समझ में आई थी, आज तो लगभग ठीक है, नो कमेंट्स। मतलब आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, और अलग से माइक यूज किया गया है तो आई होप आप लोगों को सुनाई भी अच्छे से दे रहा है। मिटा देते हैं तब इसको, इतना खत्म हो गया, अब आगे बताया जाए। ओके, तो अब एक एक करके हम सारे टाइप्स के डिजीज के बारे में पता मतलब पढ़ेंगे, बस जनरल पढ़ेंगे, ज्यादा हम हार्ड या फिर ज्यादा डीप बायोलॉजी में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख तक जनरल क्लास ही चलाना है। 2 तारीख से ही हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज अभी मतलब अभी जनरल स्टार्ट करते हैं। डिजीजेज में हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में हमने पढ़ा था बैक्टीरियल एंड वायरल, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक रहता है, वायरल से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरियल के बारे में पढ़ने से पहले अगर हम जानना चाहें कि बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू शेप बांटा जाता है, यानी बैक्टीरिया को आकार के अनुसार बांटा जाता है, अकॉर्डिंग टू शेप। बैक्टीरिया को आकार के अनुसार बांटा जाता है, आकार के अनुसार बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। कॉक्कस, कॉक्कस मीन्स गोल, और स्पिरिलम, स्पिरिलम
स्पिरिलम का मतलब होता है जिगजैग मोशन में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं टेढ़े मेढ़े, उनका शेप कुछ ऐसा रहता है, और गोल वालों का कुछ ऐसा आता है, कहीं कहीं गोल वाले जो होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं, मतलब चैन में रहते हैं, यानी वो ऐसे बंधे रहते हैं। और कक्कस बैसिलस, बैसिलस जो होता है वो दंडाड़ू होता है, यानी छड़ के आकार का रहता है, छड़ नुमा रहता है। और एक लास्ट में आता है, वो होता है कौमारू। कौमारू मतलब उनका आकार जो रहेगा वो कौमा शेप में रहेगा। ठीक है, तो मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू से चार टाइप के होते हैं। कॉकस यानी गोल होता है, स्पिरिलम मतलब उसका आकार जो रहेगा टेढ़ा में रहता है, बैसिलस यानी वो डंडे के आकार के होता है, और कॉमा कॉमा मतलब कॉमा के रूप का होता है, कॉमा वर्ड से ही रिलेटेड है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, और जबकि वायरस को देखा जाए तो वायरस को अकॉर्डिंग टू शेप तीन टाइप, मतलब अकॉर्डिंग टू शेप नहीं, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मटेरियल बांटा गया है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए और आरएनए, कि उनके अंदर पाया क्या जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है कि आरएनए पाया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो वायरस होते हैं, वायरस को चार भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला जो आता है वो प्लांट वायरस आता है, प्लांट वायरस में सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है, और दूसरा जो है वो एनिमल वायरस होता है। एनिमल वायरस में आरएनए के साथ साथ डीएनए, या फिर मतलब कभी कभी दोनों, या फिर कभी कभी सिर्फ आरएनए, या फिर कभी कभी सिर्फ डीएनए, ऐसे पाए जाते हैं। और जबकि तीसरा जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो बैक्टीरियोफेज से पूछा जाता है। बैक्टीरियोफेज जो कि एक जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज का डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल का आता है, नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रह चुका है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले क्रिस्टलीय आकार में देखा गया था, स्टैनले मिलर ने देखा था। अगर स्टैनले मतलब ये जो कुछ वर्ड हैं ये काफी ज्यादा रेयर वर्ड्स हैं। स्टैनले जो साइंटिस्ट है, स्टैनले का पूरा नाम स्टैनले मतलब मिलर है। स्टैनले मिलर ने क्या किया था, सबसे पहले बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियोफेज को देखा था उसके क्रिस्टलीय रूप में। और कहीं कहीं मतलब ये भी देखने को, या फिर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि स्टैनले मिलर ने बैक्टीरिया के क्रिस्टलीय रूप में देखा था। असल में मतलब वायरस की खोज तो की थी डी मित्री इवानोवास्की ने, और कब की थी तो सन 1892 में की थी। और कौन सी वायरस की खोज की थी, तो उन्होंने टीएमवी की खोज की थी, टोबैको मोजैक वायरस। डिमित्री वालोवास्की ने सन 1892 में सबसे पहला वायरस ढूंढा था, और उसे उन्होंने नाम दिया था टीएमवी। जबकि वायरस के क्रिस्टलीय रूप को सर्वप्रथम देखने वाले स्टैनले रह चुके हैं। और वायरस जो है वो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मटेरियल तीन टाइप का होता है, पहला प्लांट वायरस, दूसरा एनिमल वायरस, तीसरा बैक्टीरियोफेज। और जेनेटिक मटेरियल यानी उनके अगर आनुवंशिक पदार्थ की बात करें, तो उनके आनुवंशिक पदार्थ में प्लांट वायरस यानी पादप विषाणु के पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है, एनिमल वायरस यानी जंतु विषाणु के पास आरएनए तथा डीएनए दोनों होता है, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी के पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज का हिंदी अगर किसी को डाउट है तो वो होता है जीवाणुभोजी। ठीक है, तो ये वायरस, ये पूरा कंप्लीट वायरस का स्पेसिफिकेशन से। अगर बैक्टीरिया की खोज की बात कर ले, तो बैक्टीरिया की खोज जो होता है वो मतलब बैक्टीरिया की खोज के बाद श्रेय जाता है लीवेनहॉफ को। इनका पूरा नाम एंटनी वैन लीवेनहॉफ है। एंटनी वैन लीवेनहॉफ बैक्टीरियोलॉजी के ही फादर, मतलब बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटनी वैन लीवेनहॉफ बैक्टीरियोलॉजी के फादर भी माने जाते हैं, और बैक्टीरियोलॉजी के फादर के साथ साथ इन्हें एक और पोस्ट दी जाती है उसके, और मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात ये सूक्ष्म जीवों पे सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट रहे हैं, इन्हें उनका जनक भी कहा जाता है। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का जो शेप होता है अकॉर्डिंग टू से बैक्टीरिया चार टाइप के होते हैं। कॉकस मतलब बैक्टीरिया का शेप गोल रहेगा, स्पिरिलम मतलब बैक्टीरिया का शेप टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, बैसिलस मतलब बैक्टीरिया जो रहेंगे वो रॉड शेप के रहेंगे, कॉमा मतलब बैक्टीरिया जो रहेंगे कॉमा शेप के रहेंगे। और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है बैक्टीरिया का इधर है, वायरस का इधर है। इसमें से अगर आप लोग को जो कुछ, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ आप लोग इसमें से जो भी कुछ लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
अगर कुछ छूटा होगा तो हम मतलब बता देंगे या फिर मैसेज कर देंगे, आप लोग बता दीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया या फिर क्या छूटा रह गया। ओके तो अगर और कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इंडियन बैक्टीरिया, जैसे अभी तक हमने एंटोनी वन लेवेनहॉफ की बात की थी, एक ऐसे मतलब नॉर्मली नीट के एग्जाम में कि किसी एग्जाम में पूछा हुआ था कि बैक्टीरियोलॉजी के इंडियन फादर कौन है, तो इंडियन फादर का श्रेय जाता है जेवी भट्ट को। वो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियोलॉजी के इंडियन फादर कहे जाते हैं। और देखा जाए तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया जो ढूंढा गया था उसको वो था साइकोमाइसिटीज, स्काइरोमाइसिटीज, माइसिटीज रखा गया है। अर्थात सबसे पहले बैक्टीरिया जो ढूंढा गया था ये बहुत पहले ढूंढा गया था। स्काइरोमाइसिटीज जो है इसको प्लांट कैटेगरी में रखा गया था। माइसिटीज से ही समझ में आता है कि ये जो माइसिटीज जितने पाए जाते थे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जिट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये सब फंगी की कैटेगरी में आते थे। फंगी मतलब कवक, कवक मतलब फफूंद, इनकी कैटेगरी में आते थे। तो इसे प्लांट माना गया था, लेकिन बाद में इसे मतलब बाद में इसे बदल के बैक्टीरिया बदल दिया गया। तो यही कुछ है बैक्टीरिया के जनरल फैक्ट जो कि कुछ रेयर है। इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजी में और कुछ नहीं है। और वायरोलॉजी में कुछ रेयर होता है, तो ये पूछा जाता है कि वायरस की खोज तो इवानोवास्की, डिमित्री इवानोवास्की ने की थी, लेकिन वायरस नामांकरण के यानी मतलब नेम किसने दिया था? तो वायरस जो नेम है वो लुईस पास्टर ने दिया हुआ था। तो बस यही दो एक दो पॉइंट जो छूट रहे थे उसको बता दी। यही हमको थोड़ा कंफ्यूजन था तो वही 1 मिनट का ब्रेक लिए थे। ओके तब अगर आगे पढ़ा जाए तो आगे हम दो तीन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ जनरल फैक्ट जो रहेंगे या फिर इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता रहेगी, प्रतिरक्षा तंत्र रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बस करेंगे, क्लास ओवर हो जाएगी। टाइम देखा जाए तो अभी टाइम है, उतना में खत्म हो जाएगा। अगर हम टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड एक जनरल सा रोग है जो कि आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली पॉपुलर है कि टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड एक टाइप का इंटरनल फीवर होता है, आंतरी जो होता है इंटेस्टिनल फीवर होता है, मतलब आंतरिक बुखार जो कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत में जो इंटरनल फीवर होता है, मतलब अंदर ही अंदर बुखार रहता है, उसको कहा जाता है टाइफाइड। पहले के टाइम में मियादी बुखार रहता था जिसका ड्यूरेशन 20 से 21 दिन का रहता था। अर्थात ये एक अपना सर्टेन ड्यूरेशन तय किया हुआ है कि हम 5 दिन से 20 दिन के अंदर ही पर्सन को होंगे और इतना में ही मार के खत्म कर देंगे या फिर हम छोड़ देंगे उसको। और जो सबसे पहला इसका वेरिएशन पाया जाता था स्टार्टिंग में, वो रहता था साल्मोनेला टाइफी। ये जो है ये बैक्टीरिया का नाम है, टाइफोसा नाम था, सॉरी। बाद में इसके जो दो वेरिएशन आए वो आए टाइफी ए और टाइफी बी, जो कि आजकल के लोगों में फैल रहा है। साल्मोनेला टाइफोसा पहले होता था। अगर साल्मोनेला टाइफोसा वाला वर्जन किसी पर्सन को जाता है, जो साल्मोनेला टाइफोसा वाला वेरिएंट है वो किसी को होता है, तो उसकी ड्यूरेशन आज भी इतनी रहेगी। अगर टाइफी टाइफी भी होता है तो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक भी हो सकता है। यानी ये मतलब अलग अलग वर्जन है, अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग जो इनके वेरियंट है वो अलग अलग ड्यूरेशन में रहते हैं। बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफोसा है, ठीक है। और इसमें दो और वेरिएंट पाए जाते हैं टाइफी ए टाइफी बी। ये अगर इसके सेपरेशन को देखा जाए तो गंदा पानी पीने से या फिर जो घरेलू मक्खी होती है जो आसपास के नालियों में जाती है, फिर वहां से आके हम लोग के खाने में या फिर हम लोग के इडेबल आइटम, फूड आइटम जो भी घर में हम लोग खाना वाना खाते हैं। वीडियो तो आ रही है ना? ओके फाइन, आई थिंक वीडियो रुक गया था, अभी से आया क्लियर। तो अगर इसके फैलने की बात किया जाए तो ये गंदे स्थानों मतलब गंदे भोजन को करने से, साफ हाथ से हाथ हाथ धोए नहीं, भोजन खा लिए, नाखून में गंदगी फंसी हुई या फिर ऐसी चीज, मतलब अगर गंदगी से रहते हैं तो टाइफाइड होता है।
और टाइफाइड के टाइफाइड को मियादी बुखार हो जाता है, ड्यूरेबल डिजीज होता है। टाइफाइड का जो मतलब दवाई होती है वो क्लोरोमाइसिटीज होती है, क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, ये टाइफाइड की दवा होती है। टाइफाइड के 3 वेरिएशंस होते हैं। टाइफाइड एक ड्यूरेबल डिजीज है, मियादी बुखार है, गंदे जगहों से मतलब गंदे जगहों पे हम गंदी चीजों से संपर्क में होने से होता है। बाकी टाइफाइड के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना आता। जो नेक्स्ट रोग होता है बैक्टीरियल डिजीज में, वो आता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ज्यादा डिजीजेस के बारे में नहीं बताएंगे, 2 से 3 डिजीजेस के बारे में बताएंगे। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से होता है, माइक्रो बैक्टीरियम। अर्थात ये डिजीज के नाम पे ही ये बैक्टीरिया का नाम पड़ा है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, टीबी से सारे लोग परिचित हैं। भली बात है कि टीबी में खांसी बहुत ज्यादा आती है, खांसी के साथ साथ इंसान जो रहता है रात में पसीना आना, और इसके साथ कमजोरी, थकान, अनिद्रा, ये सारी इसके लक्षण होते हैं। और उसके साथ अगर इसके दवाई के मतलब एक सेकेंड, हाँ, इसके अगर खोज के बारे में बात करते हैं तो खोज सबसे पहले टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने सन 1892 में की थी। एक पॉइंट छूट रहा था इसमें। टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने सन 1892 में की थी। और इसका जो संचार है, प्रसार है, या फिर कह सकते हैं फैलना है, वो माउथ के सलाइवा से होता है। अगर थूके थूके स्थान पे किसी का ज्यादा हाथता है, चलता रहता है, संपर्क करता है, या फिर कोई किसी में मतलब कोई टीबी का पेशेंट है वो कुछ खा रहा है, उसका जूठा कोई अदर पर्सन खा रहा है, या फिर सेम ग्लास यूज कर रहे हैं, सेम बॉटल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में मतलब टीबी का सेपरेशन हो सकता है। टीबी के खुद का रॉबर्ट कोच है। और टीबी के बहुत ज्यादा दवाएं हैं। अगर देखा जाए तो टीबी की दवा एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ एक पासा है। पासा का फुल फॉर्म है पासा अमीनो सिलिक एसिड। और उसके साथ साथ एक आइसोनियाजाइड भी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगता है, और ये जो पासा है ये मुंह से ली जाने वाली दवा है। पासा के साथ साथ एक आइसो नियो जॉइड दवा है। ये जो दोनों दवाएं ये मुंह से ली जाती है, मतलब इसके टैबलेट और सीरम मिलते हैं खाने के लिए, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो मतलब वो इंजेक्शन है। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में मतलब जल्द ही 2-3 साल या फिर 5 साल पहले एक विलिसिन नामक की दवा लॉन्च हुई है, जो कि मतलब जो कि ये भी एक टीबी की दवाई है। और इतने में टीबी खत्म हो जाता है, टाइफाइड खत्म हो जाता है। और देखेंगे एक दो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में और बता देंगे। टीबी और टाइफाइड इसलिए बताएं क्योंकि एकदम कॉमन डिजीज है। टीबी के बारे में इतना कुछ है, टाइफाइड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिए, क्योंकि टाइफाइड गंदे स्थानों से फैलता है। और किस बैक्टीरिया, बस बैक्टीरिया नेम काफी इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरिया का नाम है, और इसमें ये बैक्टीरिया का नाम है, और इसके 3 वेरिएंट भी है। 3 वेरिएंट मतलब जैसे कोरोना के कई वेरिएंट आए वैसे इसके भी कई वेरिएंट है। ड्यूरेशन इसका दिया हुआ है, इसका ड्यूरेशन कोई नहीं होता है, जब तक इलाज ना हो ठीक ना हो नहीं होता है, फिर नहीं ठीक होता है, लेकिन ये ड्यूरेशन होता है। ये 3 मंथ में, 6 महीने तो अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर ज्यादा रेयर कंडीशन में जाएगा तो पर्सन को मतलब डेड की कंडीशन में भी लेते जाता है। ये भी डेड की कंडीशन में लेके जाता है, और इसका इलाज हमेशा चलता रहता है जब तक ये ठीक ना हो। विलिशेस की नई मेडिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है, पासा और आइसोनियाजाइड मम्मू से लेने वाली दवा है। और इसके लक्षण में बताएं हम कि मतलब बुखार होता है, बुखार के साथ रात में पसीना आता है, और उसके साथ साथ बहुत सी बीमारी होती है, कमजोरी होती है, उल्टी दस्त होती है, ये सारी टीबी की मतलब प्रॉब्लम्स है। तो इसमें जितना कुछ आप लोग लिखना है लिख लीजिए, हम तब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 30 सेकेंड।
ओके तो इसके बाद हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे। ये जो डिजीज है इनको समझाने के पीछे रीजन है क्योंकि ये कुछ कॉमन डिजीज है जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेग की। मुझसे फैमिली में दो तीन लोग पूछे थे कि नहीं मतलब अगर कोई चूहे को नहीं पालना चाहिए तो क्यों नहीं पालना चाहिए, खरगोश को नहीं पालना चाहिए तो क्यों नहीं पालना चाहिए। चूहे, खरगोश और कुछ जो माइनर जीव होते हैं, मतलब माइनर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे 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 मोटे जीव होते हैं, वो बहुत तक मतलब नॉर्मली अगर उनको साफ सफाई से अच्छे से रखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप से हैं, वो घर में रह रहे हैं, उनके स्किन से हम मतलब जैसे अगर कभी कभी चूहा मर जाता है तो लोग उसको नॉर्मली हाथ से ही फेंकते हैं बिना मास्क लगाए, तो ऐसी कंडीशन में उनको मतलब प्लेग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि चूहे के स्किन में या फिर चूहे के साथ चूहे जैसे अगर कोई और छोटे जानवर है जैसे में गिलहरी हो गया या फिर और जो छोटे जानवर होते हैं इनके स्किन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि प्लेग के कारण होते हैं। और प्लेग जो होता है वो बहुत मतलब ठीक है, एक बार हो गया तो मतलब क्या है कि पूरे शरीर पे गिल्टी टाइप का उभार हो जाएगा और वो काफी अजीब सा रोग होता है। तो उससे मतलब इस चीज पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो पालतू जानवर है उनकी साफ सफाई प्रॉपरली हो, उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया जाए, एंटी मतलब एंटी बैक्टीरियल लिक्विड से उनके लिए अलग से जो दवाई आती है वो लिया जाए। अगर नॉर्मली पाल रहे हैं तो उनको मास्क से लगा के और अपने हाथ में ग्लव्स व्लव्स पहने या फिर उनसे प्रॉपरली दूरी बनाए रखें जिससे उनकी स्किन हमारे स्किन से प्रॉपरली टच ना हो। अगर देखा जाए तो इसका मतलब इसका जो बैक्टीरिया है वो पास्चुरेला पेस्टिस है, पास्चुरेला टेस्टिस। ये सामान्य बैक्टीरिया जो कि स्किन पे होता है, ह्यूमन स्किन को अफेक्ट करता है, ह्यूमन स्किन को अफेक्ट करता है तो स्किन पे क्या हो जाती है, गिल्टियां होने लगती है। इसका एक और है जेनियो, कोई वर्जन है जेनियोप्सिला है और इसका जीनस मतलब स्पीसीज नेम केओपिस। ये जो है ये सबसे डेंजरस माना जाता है। ये एक बार भी स्किन पर टच हुआ तो स्किन पे जगह जगह गिल्टियां उभर जाती हैं और पूरे शरीर से गिल्टी उभर जाती है। ये सबसे डेंजरस इसका वेरिएंट है। इसके भी दो वेरिएंट है, एक पास्चुरेला पेस्टिस है, पास्चुरेला पेस्टिस है ये जो कॉमन प्लेग का कारण, लेकिन अगर जेनियोप्सिला क्योपिस हो गया तो ये मोस्ट डेंजरस वेरियंट है। अगर ये हो गया तो इससे मतलब ये बहुत फास्ट कवर करता है पूरे शरीर में, जल्दी से जल्दी गिल्टियां उभर जाती है और उसकी मतलब उससे जल्दी दवा भी नहीं काम करती है। और इसकी जो दवा है वो नॉर्मली सल्फा ड्रॉप्स है और सल्फा ड्रॉप के साथ इसका मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन भी कॉमनली ली जा सकती है एज एन एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एज एन एंटीबायोटिक ली जा सकती है और इसकी जो मतलब ओरिजिनल दवा है या फिर नॉर्मल जो दवा है वो सल्फा ड्रॉप्स है। ये जो दोनों है इसकी दवा है, इसके लक्षण है पूरे शरीर पे गिल्टी उभरना और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो पास्चुरेला पेस्टिस है जो कि स्किन को अफेक्ट करता है। जेनियोक्सिला क्योपिस इसका एक और वेरिएंट है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, स्किन को ही अफेक्ट करता है, पूरे शरीर पे गिल्टी निकाल देता है। बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग है डिजीज का नाम और प्लेग के बारे में सिर्फ इतना ही है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट जो डिजीज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलेरा, जिसे नॉर्मली कहते हैं हैजा। ठीक है, तो कॉलेरा जो डिजीज है ये कॉमन मतलब बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं, कॉमन भी है, इसके कई वेरिएंट्स हैं। नॉर्मली कॉलेरा अगर होता है, अगर एक कॉमन वेरिएंट है इसका तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, 2 3 दिन 4 दिन तक लूज मोशन होते हैं, पेट झड़ते हैं और जो मतलब एक्सक्रीशंस होता है यानी जो स्टूल होता है वो काफी मतलब लाइट लिक्विडियस होता है। ठीक है, तो ये सब इसके नॉर्मल सिम्पटम्स है यानी पेट का झरना और उल्टी दस्त होना, ये सब नॉर्मल सा इसका लक्षण है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में अगर इसका कोई स्ट्रांग वेरिएंट आ गया तो ये भी जान ले सकता है, उतना तक जा सकता है। ठीक है, और इसका जो बैक्टीरिया है वो विब्रियो कॉलेरी है। इसका टाइप माना जाता है कॉमा रूप में, यानी इसका जो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप्ड रहता है,
विब्रियो कॉलेरी, इसका मतलब इसका भी संचार है यानी पेट भरना, उल्टी दस्त होना, सिंपल सी बात है, गंदा फूड मसा मतलब ज्यादा मसालेदार बाहर का बना हुआ फूड जो होता है वैसे फूड को खाना खाने से होता है। अगर इसका कोई स्ट्रांग वो वेरिएंट पकड़ लेता है तो पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस मतलब पूरी शरीर जो रहेगी वो अकड़ जाएगी मतलब टंग जाएगी किसी शेप में, या फिर मतलब बंद जाएंगी जो शरीर रहेंगे, और ऐसी कंडीशन में मौत हो सकती है। नॉर्मली ये पेट झरेगा थोड़ा, अगर ज्यादा पेट झरने लगा तो वीकनेस आएगी और पसीना वसीना आएगा भी, और काफी ज्यादा वाटर लॉस होगा, कमजोरी होगी। तो ये इसके कुछ कॉमन से लक्षण है, बैक्टीरिया रहना, विब्रियो कॉलेरी, पैरालिसिस है, उल्टी दस्त इसमें होता है, बस इतना ही क्लोरो कॉलेरा के बारे में पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा कुछ इधर हो गया था, निमोनिया के बारे में देख लिया जाए। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और निमोनिया का ही एक वर्जन माना जाता है सार्स। सीनियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि 2002 में चीन के गुंजांग डांग प्रांत, मतलब गुंजांग डांग में फैला था, गुंजांग डांग और नवंबर में फैला था, नवंबर में फैला था सार्स। सार्स का फुल फॉर्म है सीनियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। बहुत हद तक क्योंकि चूंकि एक वायरल डिजीज है तो इसको अलग रखा जाता है, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है तो इसको अलग रखा जाता है, बट बहुत हद तक इन दोनों को एक जगह मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके सिम्पटम्स है वही सेम इसके सिम्पटम्स है, बट इसकी जो मैचिंग है वो ज्यादातर कोरोना से होती है। माना जाता है कि कोरोना इसी का एक वेरियंट है, कोरोना का पहला वेरियंट 2002 में भी फैल चुका है, कोरोना के और भी वेरियंट है जो कि उससे पहले आए थे, लेकिन सार्स जो है वो कोरोना के एकदम हूबहू मिलता था। इसमें भी श्वसन संबंधी रोग होते थे, ये भी चीन से ही फैला था, चीन के गुंजांग डांग से फैला था, नवंबर में फैला था, और इसमें भी सर मतलब इसमें भी सेम सिम्पटम्स है, और इसमें भी मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और बहुत बहुत लोग मतलब इसकी दवाई वैक्सीन ना बनने वजह से बहुत लोग और इससे संक्रमित हुए थे। बाद में इसके ऊपर मतलब ये जो सार्स है सार्स के ऊपर निमोनिया का भी वैक्सीन काम किया, तो इसे एक निमोनिया का ही टाइप मान लिया गया और उस वक्त उसको छोड़ दिया गया। बाद में इसका नया वेरिएंट आया कोरोना का, तो ये इस टाइम बहुत ज्यादा लोगों पे हावी हो गया, काफी ज्यादा डेथ कर गया था, ये बहुत पहले भी आ चुका है। और निमोनिया का जो मतलब बैक्टीरिया है वो डिप्लोकॉकस निमोनिया, नाम में कॉकस आ रहा है, अर्थात ये बैक्टीरिया कैसा होगा, कॉकस कॉकस मीन्स गोल होगा, और इसका कंप्लीट नेम है डिप्लोकॉकस निमोनी। ठीक है, और इसके मेडिसिन में ज्यादा कुछ नहीं देखना होता है, कोई भी एंटीबायोटिक ले लिया जाता है, ये ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, बड़े बच्चों में भी मतलब बड़े लोगों में रेयरली होता है, छोटे बच्चों में ज्यादा निमोनिया देखने को मिलता है 1 से 5 साल तक में, और बाकी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसमें से कुछ अगर नोट वोट करना है या फिर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट में देना है तो दे दीजिएगा, हम 10-20 सेकंड का वेट कर लेते हैं, सब मिटा देते हैं। ठीक okay, तो टाइम लगभग ओवर जा रहा है तो अब ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, एक नॉर्मल से मतलब एक और डिजीज के बारे में बता देते हैं जो कि एक वायरल डिजीज है, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम 9:05 तक था और थोड़ा सा ओवर जा रहा है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो ही चुका है।
अब नॉर्मली एक मतलब वायरल डिजीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। एक वायरल डिजीज का नाम ले लेते हैं फास्टली, एचआईवी का नाम लेते हैं, बहुत फेमस डिजीज है। एचआईवी जो है वो वायरस का नाम है, डिजीज का नाम बिल्कुल नहीं है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एचआईवी से डिजीज जो होता है वो होता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके साथ इसको इसकी मतलब पता चले कि क्या एड्स हुआ है उसके लिए कोई टेस्ट कराया जाता है, जैसे टाइफाइड की मैम हम बताना भूल गए थे, सॉरी, उसके बारे में। टाइफाइड को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है हम उसको बता देंगे, फिलहाल में ये बता रहे हैं। तो एलिशा के बारे में बता देते हैं, टाइफाइड के लिए नॉर्मली विड़ाल टेस्ट होता है, टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल टेस्ट करवाया जाता है। बाय द वे, अगर आपको टाइफाइड हुआ है या फिर आपको 5-6 दिन से लगातार बुखार आ रहा है रात में, मतलब रात में आप दवा वा खा के सोए, ठीक हो गया, दिन भर ठीक रहा, फिर अगले शाम को फिर रिपीट कर दिया, तो अगर 3-4 दिन 5 दिन तक ऐसा रहता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बिडाल टेस्ट करवाने के लिए बोलता है, ये टाइफाइड के लिए। बाकी अगर एचआईवी एड्स जैसे कुछ भी सिम्पटम्स दिखते हैं तो उसके लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। एलिसा मतलब एलिसा का कंप्लीट फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। और एचआईवी देखा जाए तो एचआईवी का सबसे मतलब एचआईवी का वेरिएशन जो है HTLV-3, सबसे पहला जो वेरिएशन से HTLV-3 देखा गया था जो कि रॉबर्ट ब्लू का था, रॉबर्ट ब्लू ने देखा था, मतलब इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी वायरस में अगर एचआईवी के वायरस के किसी वेरिएंट को सबसे पहले किसी ने दिखाया था कम्प्लीटली तो रॉबर्ट ब्लू ने दिखाया था, ये वेरिएंट दिखाया था। उसके साथ अगर देखा जाए तो ये जो है एचआईवी देखा जाए तो एक टाइप का रेट्रो वायरस है। और वायरल डिजीज में एचआईवी और कोरोना ये दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो होता है, कोरोना इन दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए ही होता है, आरएनए के साथ प्रोटीन पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब उनका अनुवांशिक पदार्थ, फॉर एग्जांपल हमारे अनुवांशिक पदार्थ डीएनए प्लस प्रोटीन है, उनका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। HTLV को सबसे पहले रॉबर्ट ब्लू ने देखा था एचआईवी के बारे में। और एचआईवी को मतलब जहाँ मतलब कैपिटल ऑफ एचआईवी देखा जाए तो अफ्रीका का वकांडा है, वकांडा वकांडा मतलब जो ब्लैक कैंसर मूवी बताता है अफ्रीका का वकांडा पार्ट, जी हाँ वही वकांडा पार्ट सबसे ज्यादा वहां पर पाया जाता है। एचआईवी मतलब एचआईवी की शुरुआत वहीं से हुई थी। एचआईवी का फर्स्ट जो पेशेंट देखा गया था वो 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। और बस एचआईवी के बारे में इतना ही बताएंगे। एचआईवी का फर्स्ट पेशेंट 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। और एचआईवी का जो कैपिटल माना जाता है वो अफ्रीका का वकांडा माना जाता है, जैसे उगांडा भी कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल का नाम लिखना है तो अफ्रीका का एक पार्ट है उगांडा, इस पे मूवी भी काफी बनी है, उगांडा वकांडा और कई नाम है। उगांडा नॉर्मली बुक में लिखा हुआ नेम है और नॉर्मली उसे वाकांडा ही बोलते हैं, ठीक है। तो एचआईवी के बारे में इतना है, एक दो वायरल मतलब और वायरल डिजीज के बारे में कल डिस्कशन कर लेंगे। और इसके साथ अगर प्रोटीन के मतलब इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी पे थोड़ा सा लेक्चर दे रहे, तो इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को ही इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। एक बार और बोल देते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कहा जाता है, इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर कोई ज्यादा स्ट्रांग है, किसी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र काफी स्ट्रांग है तो वो मतलब कोरोना मतलब वो उसको सर्दी जुकाम 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा। और किसी का जो इम्यून सिस्टम है, किसी का जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो थोड़ा सा वीक है तो उसको सर्दी जुकाम 3 दिन 4 दिन 5 दिन, किसी का ज्यादा वीक है तो 6-7 दिन तक सर्दी जुकाम रह सकता है। किसी का मतलब इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कोई रोग से कितना जल्दी लड़के उसको खत्म किया जा सकता है, इम्यून सिस्टम वो होता है। अगर इम्यूनिटी की देखा जाए तो इम्यूनिटी जैसे डिजीज 2 टाइप का बताया गया था, वैसे इम्यूनिटी भी 2 टाइप की है, पैसिव मतलब
इम्यूनिटी जो दो टाइप की, उसमें कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी आती है यानी जन्मजात प्रतिरक्षा आती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है यानी उपार्जित प्रतिरक्षा आती है। उपार्जित प्रतिरक्षा में दो टाइप होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी, और बाकी इम्यून सिस्टम में कई चीजें आते हैं। इम्यून सिस्टम को इंजेक्शन से बढ़ाया जाता है दवाइयों के अकॉर्डिंग, फूड सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इम्यून सिस्टम के बारे में हम कभी और बायोलॉजी क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। बाकी वायरस के बारे में इतना रहा, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, तो इसलिए इसका जिक्र करना काफी इम्पोर्टेंट था। टाइम काफी ओवर हो चुका है, 9:16 हो गया, टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, और आज का टॉपिक हमको मजबूरन बायो का लेना पड़ा है क्योंकि सुबह मतलब मॉर्निंग हमारा क्लास था, एग्जाम था, और एग्जाम से आने में काफी लेट हो गया, उसके बाद कई जगह का काम भी आ गया था, तो शाम को सीधा 7 बजे घर आए, टाइम नहीं मिला, जल्दी से नोटिस प्रिपेयर किए, नोटिस प्रिपेयर करके दे दी कि आज इस टॉपिक पर डिस्कशन कर पाएंगे। बाकी अगर ऐसे कोई टॉपिक जनरल प्रिपेयर करना हो तो हम थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेते कि नहीं ये बोलना होगा, बट इसमें हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ प्रिपेयर नहीं करना होता है। और आप लोगों को फिर से बताना चाहेंगे, 2 तारीख से 12th के बायोलॉजी के सिलेबस स्टार्ट होंगे, हो सकता है जीएनएम के क्लासेस भी स्टार्ट हो, और आज के क्लास से यही ओवर होता है। क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग का खुद का कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी जरूर पूछेगा, कोई भी बायो का क्वेश्चन हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, किसी मतलब बायो के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर आपको आपको फ्यूचर को लेके कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो आप लोग उसको जरूर डिस्कशन करिएगा, पूछेगा। हमें नहीं आएगा तो हम किसी से पता करके बताएंगे, या फिर अगर हमें आएगा तो हम जरूर बताएंगे। और उसके साथ आपके क्लास यही हो रहता है। थैंक यू।